विधायक किसको बनाएंगे? ओम प्रकाश जी को। ओम प्रकाश सिंह को विधायक बनाएंगे? आप काम हुआ है 5 साल में? बहुत हुआ है, बहुत काम हुआ है, हो रहा है। रैली कैसी रही? रैली अच्छी रही। स्मृति ईरानी आई थी, वो कौन सी मंत्री? केंद्रीय मंत्री। किस विभाग की मंत्री है? नहीं पता है आपको? पता है केंद्रीय इस्पात मंत्री है ना? केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं, आपको पता है? अच्छा कि शायद वही है। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी ने रैली के माध्यम से एक जनसैलाब दिखा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने ये जाहिर किया है कि गाजीपुर में वो दमदारी से दावेदारी कर रही है। आज जनपद गाजीपुर में स्मृति ईरानी का आगमन हुआ। लंका मैदान में जनसभा को स्मृति ईरानी ने संबोधित किया। उस जनसभा में जनसैलाब उमड़ पड़ा था। स्टेज पर यहाँ की सदर विधायक डॉक्टर संगीता बलमन भी मौजूद थी, MLC विशाल सिंह चंचल भी मौजूद थे, जमनिया की विधायक सुनीता सिंह भी मौजूद थे और तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद थे। वहीं अभी अभी समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले सैदपुर के विधायक सुभाष पासी भी स्टेज पर मौजूद थे। स्मृति ईरानी ने जनसभा को संबोधित किया। उस जनसभा में उन्होंने क्या क्या कहा ये आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए कि इस जनसभा में जो लोग आए थे वो कहाँ से आए थे, कैसे बसों में भर कर आए थे और उनकी राय इस जनसभा को लेकर क्या है। ये वही बस है जिससे जन विश्वास यात्रा में लोग आए हैं, दूर दराज से लोग आए हैं, एक उम्मीद के साथ लोग आए हैं कि स्मृति ईरानी आई हैं और स्मृति ईरानी की ये यात्रा गाजीपुर के माहौल को बदल सकती है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? रैली में आए थे। रैली में कहाँ से आ रहे हैं? गाजीपुर लंका से। लंका रैली में आए हैं, आए कहाँ से हैं? गांव कहाँ? चुतुपुर से है। चुतुपुर से। अच्छा, भदौरा। भदौरा की बात है ये? हाँ, भदौरा। कैसी थी रैली? ठीक थी। है ठीक थी रैली? ठीक थी। हाँ, तो क्या लग रहा है सरकार किसकी आ रही है? योगी जी का। योगी जी की आएगी? हाँ। आप चाचा किस गांव से आए हैं? उसे एक ही गांव से। अच्छा, इसी गांव से हैं। तो रैली कैसी रही? हम तो आज तक जितना देखे हैं, हाँ, 32 साल से हम भाजपा में, हाँ हाँ, इतनी बढ़िया रैली, हाँ, कभी नहीं आई। कभी हम आए हैं भदौरे। भदौरा से ही आए हैं, तो क्या लग रहा है? रैली अच्छा था। रैली अच्छा था। विकास करेंगे, हर चीज का विकास। तो विकास हुआ है 5 सालों में आपके यहाँ? जरूर कुछ विकास हुआ है। सड़कें ठीक है आपके यहाँ की? हाँ, सड़कें तो है कि यहाँ से और वहाँ जाने में गाजीपुर से हमारे यहाँ तक अब 1 घंटा लग रहा है। 1 घंटा लग रहा है बाने में। विधायक जी ने काम किया, आप लोग भी सभी उसी क्षेत्र से हैं, तो विधायक जी ने काम किया है? हाँ, काम किया है। रैली में आप लोग आए हैं? हाँ। इस बस से आए हैं, खाना पीना मिला है? हाँ? खाना पीना मिला है? खाना पीना मिला है। हम लोग रैली में आए हैं तो खाना पीना तो अपने से भी कर सकते हैं उसमें। अच्छा, खाने पीने से इससे क्या बात? मतलब सच्चे कार्यकर्ता हैं आप लोग, कंप्लेन नहीं है किसी तरह की? किसी तरह की, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है? नहीं। क्या लग रहा है, आपके गांव में हुआ है काम? हुआ है, लेकिन अभी बाकी है, रोड नहीं बना हुआ, बन रहा है। 5 साल का समय बीत गया। ठीक है, तो किसको ला रहे हैं अपने क्षेत्र से? यहाँ आए हैं, देखे नहीं। तो कौन विधायक किसको बनाएंगे? ओम प्रकाश जी को। ओम प्रकाश सिंह को विधायक बनाएंगे? तो ये ओम प्रकाश सिंह को विधायक बनाएंगे। और आप लोग? सुनीता, आप युवा हैं, सुनीता सिंह को विधायक बनाएंगे। आप? सुनीता सिंह। काम हुआ है 5 साल में? बहुत हुआ है, बहुत काम हुआ है, हो रहा है, हो रहा है। भदौरा क्षेत्र से आए थे इस रैली में और मिली जुली मत है, लोगों का कहना है कि रैली बहुत शानदार थी, बहुत अच्छी थी। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सड़कें कुछ नहीं बनी हैं इनके क्षेत्र में और इस बार वो ओम प्रकाश सिंह को मत देना चाहते हैं। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, इस बार सुनीता सिंह को ही वो विजयी बनाएंगे। एक और बस है, यहाँ से लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? बोगना से। बोगना से रैली में आए थे? हाँ। तो कैसी रही रैली? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बनी काफी नहीं। आपके विधायक कौन है? हमारे के विधायक ये है वीरेंद्र यादव। वीरेंद्र यादव हैं? तो क्या इस बार भी वीरेंद्र यादव? नहीं, नहीं बनेंगे इस बार, नहीं बनेंगे। तो किसको इस बार आ रहे हैं? इस बार भाजपा को।
भाजपा में किसी को भी? हाँ, किसी को आएगा भाजपा में वोट दिया जाएगा उसको। तो आपके आपके क्षेत्र में विकास कार्य हुआ है या नहीं? नहीं 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 हुआ है, नहीं हुआ, नहीं हुआ है विकास कार्य। आप कहाँ से आ रहे हैं? आप बोगना से? तो ये सारे जितने लोग आप बैठे हैं एक ही जगह से आ रहे हैं? हाँ, लमसम वही है। तो रैली रैली कैसी रही? रैली अच्छी रही। अच्छी रही रैली? हाँ। तो स्मृति ईरानी आई थी, वो कौन सी मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, किस विभाग की मंत्री हैं, आपको पता है? नहीं, केंद्रीय मंत्री। किस विभाग की मंत्री हैं? नहीं पता है आपको? पता है? केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं ना? केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं, आपको पता है? अच्छा, ऐसी शायद वही है। अच्छा, केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं जो बोल रहे हैं। इस बार किसकी सरकार लाना चाह रहे हैं? सरकार को मतलब कि जो चल रही है ना, इसको ठीक 5 वर्ष देखना है। जो सरकार चल रही है एक बार और 5 वर्ष देखना है। और देखना है 5 वर्ष का विकास हुआ है कुछ? विकास तो हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? अच्छा, आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? विधायक जो है विपक्ष का है तो होगा क्या हमारे यहाँ? अच्छा, जंगीपुर विधानसभा में जो है हमारे साथ विधानसभा जो है, तो जिस विधानसभा में हम लोग का घर पड़ता है वो विपक्ष का विधान विधायक है, इसलिए विकास थोड़ा कम है। करते होंगे भी जो तो अपने घर में पैक करते होंगे तो पता नहीं चलता है, इसलिए कोई भी विधायक से आ जाए उससे मतलब नहीं। नहीं, हम लोग भाजपा को वोट देना, भाजपा को वोट देना, भाजपा को झार कर वोट देंगे। अच्छा, झार के देंगे भाजपा वोट। अच्छा, आप चाचा भाजपा काम कर रही है? भाजपा के साहब हम लोग वोट देंगे, वो तो राशन और गेहूँ और चावल और सब कुछ देते हैं, तो किसको देंगे हम लोग? हाँ, वो लोग तो गरीब को जिया रहे हैं, तो देंगे किसको? अच्छा, हाँ, उन्हीं को हम लोग देंगे। तो ये लोग जो है जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र से आए हुए हैं और इनका कहना है कि इस बार भी वो भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहते हैं, चूंकि इनके क्षेत्र के विधायक विपक्ष के हैं, तो इस बार चाहते हैं कि इनके क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक बने और विकास कार्य हो। गाजीपुर के लंका मैदान में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के जनसभा का आयोजन हुआ। स्मृति ईरानी के आने से पहले सभा स्थल की तस्वीरें कुछ ऐसी थी, लेकिन उसके बाद कई सारी बसें आईं और जब बसों से लोग उतरे तो सभा स्थल का नजारा कुछ यूं हो गया जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। स्मृति ईरानी ने जन विश्वास रैली को हरी झंडी दिखाई और कहा कि जनता का विश्वास अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। आज गाजीपुर की पुण्य धरती पर उपस्थित नागरिकों से पूछना चाहती हूँ, अगर प्रदेश में सपा कांग्रेस बसपा की सरकार होती तो गोदाम से अनाज तो नेताओं के घर में जाता, काले बाजार में बिक जाता और पैसा उनकी जेब में जाता। सच है और अखिलेश जी का दुस्साहस देखिए, कहा बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाई। इंजेक्शन तो भैया चुनाव में पड़ेगा जनता का दूध पानी का पानी, उनका वही हो जाएगा। स्वामी जी कह रहे हैं हद तो तब हो गई, गरीब से कहा मुफ्त में इंजेक्शन मत लगाओ तो खुद लगाओ। गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी कितना संभाल कर पाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज़। धन्यवाद।